जिस प्रकार नींबू का हाल हम करते हैं, अब नींबू हमसे अपना बदला ले रहा है। जी हाँ, नींबू की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी को निचोड़ कर रख दिया है। नींबू के बढ़ते दामों ने आम जन के दांत खट्टे कर दिए हैं। नींबू अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। लोगों ने नींबू को खरीदना भी बंद कर दिया है। वहीं दुकानदार भी परेशान हैं क्योंकि नींबू की बिक्री थम सी गई है। इस समय नींबू का रेट 200 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम है। देखो, बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक 240 रुपए तक नींबू बिका है और अभी लगभग एक महीने तक इसके रेट यही रहेंगे, क्योंकि फिलहाल एक फसल चल रही है मद्रास की, उसके एक महीने बाद तीन फसलें और चल जाएंगी, उसके बाद ही कभी डाउन हो पाएगा नींबू का। पिछले साल के सारे रिकॉर्ड हैं हमारे पास। पिछले साल इस समय नींबू 90 रुपए किलो था, बढ़िया नींबू 90 रुपए किलो था इस समय पिछले साल। अब ग्राहक कैसे आ रहे हैं, कस्टमर लेने आ रहे हैं? देखो, ऐसा है, महंगाई के हिसाब से हर आदमी की हिम्मत नहीं कर रही है। जो आदमी जैसे पहले मतलब एक पाव आधी किलो लेने वाला था, वो 10 रुपए से लेकर काम चला रहा है। कई तो खाली भी जा रहे हैं, नहीं भी ले रहे हैं। अगर हम एक नींबू की बात करें तो एक नींबू कितने रुपए का मिलेगा? अगर एक नींबू की अगर आप बात करोगे तो मंडी में कम से कम 10 रुपए का, और मंडी से बाहर सेक्टर एरिया में 15 से 20 रुपए तक का है नींबू। एक नींबू जी, तो पहले कितना ग्राहक ले जाते थे, अब कितना ले जा रहे हैं, और आपकी दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ा है? दुकानदारी पे करीब करीब 60% का फर्क है। हम सोचते थे गर्मी आ रही थी, नींबू पानी पियेंगे, पर हमें रेट सुन के हालत खराब हो रही है। 60 रुपए पाव नींबू हो रहे हैं, आम आदमी कैसे खरीद लेगा? आप जो इतनी महंगाई में कैसे महंगा चलाना चाहते थे नींबू से पहले ही भाव सुन के ही दांत खट्टे हो गए। जी, गर्मी हो रही है, नींबू पानी पीना चाहते थे, धूप से बचने के लिए नींबू पानी, गर्मी में नींबू पानी पिया जाता है, पर रेट सुनते हमारा तो नींबू पानी पेट वैसे ही भर गया हमारा तो। कितने बता रहे हैं नींबू के रेट, कितने बता रहे हैं? ये जी 60 रुपए बता रहे हैं। 60 रुपए पाव? हाँ। तो क्या लगता है कितना ले जाएंगे नींबू? जी, मैं तो 1 रुपया का भी नहीं ले पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो नींबू खरीद पाऊँ। हम 10 रुपए वाले कमाने वाले आदमी हैं, 60 रुपए और कैसे खरीदेगा आदमी? पेट्रोल डीजल के बाद लगता है अब नींबू के भाव। नींबू का सही बात है, पेट्रोल भी 106 रुपए हो गया, आम आदमी कैसे चला पा लेगा? चाहोगे सरकार से, इनसे क्या कुछ मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है जी, जितनी महंगाई हो रही है उसको कम करो, आम आदमी पार्टी आम आदमी तो नहीं खरीद पाएगा। नींबू से तो हमें बहुत फर्क पड़ता है, जो कि जो भी ग्राहक आता है, कस्टमर जैसे मतलब आता है और नींबू भाव पूछता है तो नींबू तो नहीं लेता है, और बाई चांस हमारे पास आ जाता है तो खीरे का भाव पूछते हैं तो खीरे तो ले लेता है, पर नींबू का भाव सुन के हमको उसके ग्राहक चला जाता है, जो कि भैया हमारी हैसियत नहीं है। कितने रुपए किलो चल रहा है नींबू? नींबू फिलहाल ये 200 से लेके 250 तक चल रहा है। अब बढ़िया नींबू कोई लेगा वो 250 का है। अगर कोई दोस्त जो ड्यूटी करने वाला आदमी है, अगर बाई चांस वो आ जाता है नींबू लेने के लिए, भाव पूछता है, अब उसको एक 10 रुपये का नींबू मिलेगा तो वो कहेगा क्या खाऊंगा यार नींबू डाल के, ज्यादा से बढ़िया मैं खटाई डाल लूँ आम की, वो बढ़िया है। अच्छा, कटाई से काम चला दिया? कटाई से काम चला दिया। लग रही है नींबू के दाम जो बड़े हैं इतने, अब इसके बारे में देखो जी क्या कहूँ मैं, क्योंकि महंगाई इतनी है, इसके बारे में क्या कह सकें हम। डीजल ये तो जो महंगा हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ा है। हाँ जी, बहुत फर्क है इससे, क्योंकि आम आदमी 200-300 रुपये कमा के लाता है, अब उसमें पेट्रोल डलवा के घर का खर्चा चलाया या किराया दी, सबसे बड़ी सवाल तो यह है। अगर वो कम से कम खाएगा पिएगा क्या, बच्चों को पालेगा वो।